नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइन डॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें क्योंकि देखने वालों की संख्या हज़ारों में होती है। एक लाइक का बटन दबा के साथ में शेयर कर दिया करें। और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यूपी डब्ल्यूएससी पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसा कि चैप्टर वाइज आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सारी जानकारी जिससे आप अपना बेसिक को तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में क्वेश्चन के आंसर देने में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आप सभी को मिलता है पूरी जानकारी। इसके अलावा इसमें आपको स्मरणीय तथ्य मिलेंगे जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। हजारों की संख्या में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रखे गए हैं, साथ में उन सभी क्वेश्चन की यहाँ पर डिटेल में आप सभी को व्याख्या भी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से भी। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों का आना और विवाद में फंस जाना एक आम प्रक्रिया के तहत आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर एक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब जब भर्ती आती है तो आने के बाद उसमें विवाद देखने के लिए मिलते हैं। विवाद होते क्यों हैं ये भी आप जानते हैं कि या तो विज्ञापन के अंदर कोई गलती होती है, या विज्ञापन में कोई बदलाव कर दिया जाता है, या फिर हो सकता है कि इसके अलावा और भी कई काम किए गए हों शासन प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर अभ्यर्थी नाराज हो जाते हैं तो मामले न्यायालय में चले जाते हैं, लटके भी रहते हैं और कई बार भर्तियाँ भी निरस्त हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की कई भर्तियों में देखने के लिए मिला है। अगर पिछले 6 से 7 महीने का रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए तो रोज कोई ना कोई भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है, या तो रद्द हो जाती है या रद्द हो सकती है, निकट भविष्य के अंदर उस पर एक बार फिर से तलवार लटक जाती है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी भर्ती को लेकर। ये भी निरस्त हो सकती है, मामला संबंधित है चयन में धांधली, साथ में विज्ञापन में बदलाव को लेकर। यही दो सबसे बड़े कारण होते हैं किसी भर्ती को फंसाने के लिए। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय कमेंट करके अवश्य बताना। मैं आपको दिखा दूँ, अभी हाल ही में यूपी डब्ल्यूएससी की तरफ से बीडीओ भर्ती को लेकर सवाल किए गए थे जिस पर विज्ञापन ही निरस्त कर दिया गया। मतलब परीक्षा निरस्त हुई है, विज्ञापन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए, एक और मामला गया था यूपीपीएससी का, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पे जो चयन के अंदर या चीज़ें देखने के लिए मिली हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, धांधली हुई है, या फिर जो भी चीज़ें थी उसके अनुसार प्रधानाचार्य भर्ती को यहाँ पर परिणाम को संशोधित करने का आदेश दे दिया। अब ऐसा ही कुछ आरओ 2016 को लेकर भी आयोग घेर चुका है। मामला संबंधित है विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, परीक्षा में लागू कर दी गई। पेपर लीक के कारण दोबारा कराई गई थी परीक्षा। 2016 की परीक्षा की बात की जा रही है, उसी का जो आयोजन है 2021 में देखने के लिए मिला था, जैसा कि आप सभी यहां देखेंगे। पीसीएस 2018 के तहत अगर बात करें प्रधानाचार्य के पदों की भर्ती विवाद हो गया था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विज्ञापन की शर्तों के विपरीत आयोग ने आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी है, जबकि कुछ दिनों पहले ही ऐसा ही एक मामला विज्ञापन की शर्तों के विपरीत मामला आयोग में गया था। और आप सभी को याद होना चाहिए कि प्रधानाचार्य पदों को लेकर परिणाम को संशोधित करना पड़ रहा है। हाल ही में ये मामला सिंगल बेंच में गया, डबल बेंच में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया। वहां से भी आयोग को फटकार के साथ में ये कह दिया गया कि अब इस परिणाम को संशोधित कर लिया जाए। उसी को लेकर अब यहाँ पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं आरओ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं चयन हुआ था 260 पदों पर देखने के लिए मिला था, लेकिन मामला ये था कि 2016 के अंदर जब परीक्षा करवाई गई थी उस समय पेपर लीक के चलते इसको निरस्त कर दिया गया। फिर अब बाद में इस परीक्षा का जो आयोजन है देखने के लिए मिला, लेकिन आयोग की तरफ से यहाँ पे विज्ञापन के अंदर पहले कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन बदलाव कर दिया गया, नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, वर्ष 2016 के विज्ञापन में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि आयोग ने दोबारा हुई प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी। आयोग का तर्क था कि 2019 से यूपीपीएससी की सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है। आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 2019 के बाद ही हो रही है, इसी वजह से इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है। अभ्यर्थी का कहना था कि 2016 में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए, जैसा कि आप सभी देख पाए। तो वहीं दूसरी तरफ
यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा को निरस्त करवाया जाए। आरओ 2016 के अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू न की जाए। साथ ही अगर बात की इस मामले को लेकर सीधी सिंह ने कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर रखी है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने बताया है कि आयोग ने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रारंभिक परीक्षा करवाई है। ऐसे में इसको लेकर भी यहाँ पे जो मांगे वो की जा रही है कि इस परीक्षा को नए सिरे से करवाया जाए। मामला वही है धांधली को लेकर। तो दूसरी तरफ आप सभी देख पाएं कि विज्ञापन के अंदर बदलाव काफ़ी बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन छात्रों को लेकर, ठीक है। तो ऐसे में अभी तो सिर्फ ये मांग देखने के लिए मिली है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि इस परीक्षा को निरस्त करवाया जाए जो कि विज्ञापन बदलाव के चलते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है TGT PGT 2021 के बारे में। साथ ही जितने अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिले, है ना। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें TGT PGT छात्रों के लिए लगातार खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है और इतिहास में पहली बार होगा TGT PGT के। मैंने तो हमेशा से आप सभी को कहा है कि इस बार अगर आप किसी कारणवश रह गए थे किसी भर्ती में से, चाहे वो 69,000 रही हो, 68,500 या फिर LT ग्रेड हो, और भी कई भर्तियाँ आप सभी ने देखी होंगी, कुछ फ्रेशर्स भी होंगे जो कि पहली बार TGT PGT दे रहे होंगे, तो सबसे अच्छा मौका ये है कि इस बार जाकर एक सीट अपनी निकाल लो क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा और खासकर TGT PGT के अंदर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है TGT PGT के अंदर कि रिकॉर्ड समय में आपकी जो भर्ती करवाई जाएगी, साथ में एक बेनिफिट भी आपको मिल रहा है जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि 7 और 8 को आपकी TGT की परीक्षा होगी तो 17 और 18 को आपकी PGT की परीक्षा होगी। 3 महीने में शिक्षक भर्ती का बनेगा रिकॉर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं बना है TGT PGT के अंदर। 5-5, 6-6 साल तक भर्तियाँ लटकी हुई हैं, अभी भी 2011 का मामला लंबित है, आप लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 3 महीने में शिक्षक भर्ती का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर TGT PGT के लगभग 15,198 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 7, 8, 17, 18 को देखने के लिए मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इस आदेश को पूरा करने के लिए चयन बोर्ड AD चोटी लगा रखा है जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। लेकिन चयन बोर्ड के लिए राहत की बात यह है कि इस भर्ती में TGT के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है जिससे इस मामले में समय बचेगा और जो आदेश मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उससे पहले भर्ती पूरी हो सकती है। इसी वजह से मैंने आप सभी को हमेशा से कहा है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो एक सीट के लिए हो कि हमें एक सीट इस बार लेकर के देनी है। बहुत सारे फायदे हैं कि बहुत जल्द भर्ती पूरी हो जाएगी, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होगा जिससे कि आपका समय भी बचेगा और यहाँ से बेनिफिट भी होगा। निकट भविष्य के अंदर चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद कितने समय बाद भर्ती आएगी ये तो बाद की बात है, लेकिन जो भर्ती निकली हुई है उस पर आपका फोकस अवश्य होना चाहिए। तो कमेंट करके अवश्य बताएं कितने छात्रों का टारगेट एक सीट ही है, है ना। उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है अगर ये भर्ती 31 अक्टूबर तक पूरी नहीं होती है तो चयन बोर्ड को अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आदेश का पालन न होने पर कोर्ट के अफसरों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अनुपालन रिपोर्ट की अगर बात की जाए 9 नवंबर को प्रस्तुत करनी है। यदि यह भर्ती समय में पूरी होती है तो अपने आप में रिकॉर्ड होगा क्योंकि चयन बोर्ड की भर्ती पूरी होने में औसतन 4 से 5 साल का समय लगता है, जो कि मैं हमेशा से कहता हूं कि TGT PGT एक पंचवर्षीय योजना की तरह होती है। अगर आपने इसमें आवेदन कर दिया तो अगले 5 साल तक आपको नौकरी मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसके लेकर लगातार छात्रों ने धरना प्रदर्शन किए, अपनी मांगे भी रखी हैं, लेकिन ऐसे में आप लोगों के सामने कुछ समस्याएं भी देखने के लिए मिल रही हैं जो कि जनपद को लेकर साथ में मंडल को लेकर है। आज दोपहर तक मैं आप सभी को एक और जानकारी दूंगा इसके बारे में, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर ये है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि TGT PGT की परीक्षा इतने कम समय में आपकी करवा ली जाएगी और आपको जो नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। तो अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर तो अवश्य आपको रखना ही है, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को अपडेटेड रहने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि TGT PGT को लेकर विवाद भी चलता हुआ दिखाई दिया जनपद को लेकर तो मंडल को लेकर, तो वहीं लगातार खुशखबरी भी देखने के लिए मिल रही है कि इसके अंदर पद भी जुड़ सकते हैं जिसकी जानकारी मैंने कल देर शाम को आकर के दे भी दी है। तो ये बात हो जाती है अच्छी खबर को लेकर कि खुशखबरी तो आप सभी के लिए है कि रिकॉर्ड समय में इस बार TGT PGT की जो भर्ती हो पूरी होगी। हालांकि PGT की भर्ती को पूरा होने में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन TGT काफ़ी जल्दी हो जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई 97,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। इसको लेकर लगातार मैं आप सभी को जानकारियां देता रहता हूं, मैंने कल भी आप सभी को बताया कि लगातार यहां पे बैठकों का दौर जारी है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर।
उम्मीद है कि इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको जो करना है उसके बारे में मैंने हमेशा कहा है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता है और लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आपको सवाल उठाने की भी आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे, ट्विटर अभियान को लेकर जो मामला है वो एक बार फिर से देखने के लिए मिलता है, 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आप लोग 97,000 शिक्षक भर्ती के शुभचिंतक हैं, चाहते हैं कि जल्दी से निकले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक शेयर करते हैं, जिससे कि उनको भी जानकारी मिले। क्योंकि जब तक आपका समर्थन नहीं मिलेगा, कोई भी आपकी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करवा सकता। अगर हम लोग आपकी आवाज़ को आगे उठाने का प्रयास करते हैं, तो आपका भी प्रयास है कि उन सभी छात्रों को जोड़ें जो कि 2017 से लेकर 19-20 तक बीएड और बीटीसी करके बैठे हुए हैं, इंतजार में है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकले। अगर आप ये सोच करके बैठे कि योगी जी स्वयं आएंगे, आपको कहेंगे कि बीएड बीटीसी के लिए खुशखबरी, आपके लिए हम विज्ञापन निकालें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया, टेट सीटेट के अंदर बदलाव कर दिया, और भी तमाम बदलाव आपको देखने के लिए मिले हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे को लेकर उनके पास एक लाइन होती है कि हमने पिछले 4 सालों के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी है, और भी आप सभी को मैंने कई बार बता दिया है। तो इस प्रकार की चीज़ों को शेयर करने की आवश्यकता है। 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनाव से पहले ही निकलेगा, बस आपको अपनी जो आवाज़ है वो उठानी पड़ेगी, और परीक्षा भी पहले हो जाएगी। तो उसी को लेकर आज की तारीख में 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर छात्रों की तरफ से एक बार फिर से बड़ा ट्विटर वार देखने के लिए मिलेगा। सभी अभ्यर्थियों की तरफ से 19 जुलाई को सुबह 11 बजे से नीचे दिए गए हैशटैग के माध्यम से शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो रखनी है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेरोजगार मांगे UPPRT, बस इसी का आप सभी को इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भी अभ्यर्थी जुड़े, जिससे कि इस भर्ती के अंदर जो मांग की जाएगी 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, उसको लेकर आप सभी को सफलता मिले। मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो 100% इसी साल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन आपको करवाना पड़ेगा लगातार अपनी मांगों को उठाकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 के बारे में। 6,696 के साथ नियुक्ति पत्र को लेकर बड़ा धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में मामला क्या है, मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे 6,696 प्रतिशत स्कूलों के अंदर नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इसके अंदर आपको जो लेख है वो देखने के लिए मिल ही जाएगा, जिसमें आपको जानकारी दी जाती है कि काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, और भी तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। पहले बताया गया था कि 30 जून को आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया। नई तारीख के बारे में ये कहा था कि जल्द घोषणा की जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि पंचायती चुनाव राष्ट्रपति का दौरा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास में समय नहीं था। ऐसे में अफसरों का कहना था कि मुख्यमंत्री सर की तरफ से कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, इसी वजह से अभी तक नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम तय नहीं हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा था कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के पास में समय नहीं है। लेकिन आज के ही समाचार पत्रों के अंदर एक और बड़ी जानकारी देखने के लिए मिलती है कि आज की तारीख में युवाओं की अगर बात करें तो 534 और भी छात्रों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री। मतलब कहने का ये है कि एक तरफ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जहाँ पे 6,696 को नियुक्ति पत्र देने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ UPSSC की तरफ से आपको युवा कल्याण की अगर बात की जाए, 508 पदों पर नियुक्ति पत्र को लेकर कहा जा रहा है कि CM योगी बांटेंगे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो उनके पास समय नहीं है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ और आपको देखने के लिए मिल रहा है। आखिर ये मामला क्या है, इसको लेकर तो आप लोग जाकर के अधिकारियों से मिल सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एक तरह का धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ छात्रों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया भी जा रहा है अलग अलग भर्तियों को लेकर। अभी जेल बॉर्डर वाले अभ्यर्थियों को भी दिया गया था जब 30 तारीख को स्थगित हुआ था, अब आज की तारीख में इनको भी दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 के 6,696 को लेकर अभी कोई सरकार के पास में तारीखों का निर्धारण नहीं हुआ है, ना ही अधिकारियों के माध्यम से कुछ बताया गया है। अगर कोई जानकारी निकलती तो आप सभी को बता दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजों को लेकर, तो खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी बोर्ड के नतीजे 25 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का जो नतीजे होंगे 25 जुलाई तक आएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बिना परीक्षा के नतीजे जारी करने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार नतीजों को जो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है, और उम्मीदें ऐसी हैं कि 25 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और अपडेट होगी तो लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट फ्री चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहें।